आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम दूध के जवे या सेमिया भी बोल देते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। कई बार घर में मेहमान आ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या बनाएं, मीठे में कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छा लगे, और ये सर्दियों में बहुत गर्म भी होते हैं, तो इसलिए आज हम ये बनाने जा रहे हैं। ये आधा लीटर दूध है और हाफ कटोरी जवे हैं और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं। एक हमने पैन रख दिया गैस पर। अब हम इसमें ये आधा लीटर दूध डाल रहे हैं। इसको उबाल उबाल कर हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, जब तक हम ये सेवैयाँ थोड़ा सा घी ऐड करके इसमें भून लेते हैं। इनको जवे भी बोल देते हैं, सेवैयाँ भी बोल देते हैं। ये मेरी घर की बनाई हुई है तो इसलिए मैं घर में ही बना कर रखती हूँ, और ये सर्दियों का एक तोहफा है। सर्दियों में गर्म भी होते हैं। यदि किसी को नज़ला जुकाम है तो ये थोड़े से खा के सो जाए तो इससे नज़ला जुकाम ठीक हो जाता है। ये हमारी सेवैयाँ भुन चुकी हैं। अब जब हमारा दूध उबल जाएगा तो हम दूध में इनको ऐड कर देंगे। अब हमारा दूध ये पक पक कर गाढ़ा हो चुका है, आधा रह गया है। अब इसमें हम ये जवे डाल देते हैं। जवे डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मंदी गैस करके छोड़ दें। अब हमारे जवे पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम किशमिश, कटे बादाम, कटे काजू, 2-3 चम्मच चीनी और थोड़ी स्वाद के अनुसार चिरौंजी, थोड़ा सा हम इलायची पाउडर भी डाल रहे हैं, और इन्हें हम मिक्स कर देंगे। अब इनको हम 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। और जब भी आप बनाएं अपने घर में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे लगे आपको। अब हमारी घर में बनी हुई स्वीट डिश तैयार हो गई है। यदि आप इसे थोड़ा सा घी डालकर खाएंगे तो आपका नज़ला जुकाम कोसों दूर भाग जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।